Vamos un poco. और कोविड 19 पैंडेमिक जिस तरह पूरे दुनिया में फैला हुआ है, उस तरह लेह में भी ये पैंडेमिक, ये बीमारी यहाँ पे भी फैला हुआ है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, पिछले 10 महीने में जिस तरह हमारे कोविड वॉरियर्स ने दिन रात एक करके इस बीमारी को रोकने को और इसको कम करने और इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी और 14 कोर की तरफ से सभी कोविड वॉरियर्स, जिसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस है, पैरामेडिक्स है, और साथ में हर गांव में जो लोग, सब गांव वाले निकल के आए, सब वॉलंटियर्स करके आए हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है ताकि इस कोविड 19 को रोका जा सके। तो मैं पूरे इंडियन आर्मी और 14 कोर की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में उसी मुहिम को आगे लेते हुए ऑफ सद्भावना का हमने एक दो तीन प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, खासकर हमने लद्दाख स्काउट्स ने हमारे लद्दाख स्काउट सेंटर के आसपास जो 5 गांव है जिसके साथ हमारा काफ़ी सालों से इनके साथ रिश्ता रहा है, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग इस इलाके में होता है। तो हमने इन 5 गांव जो कि फ्यांग है, फे है, स्पितुक, स्तोक और चोकलमसर है, इन 5ों गांव में हम कोविड रिलेटेड हम इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें शामिल है हमारे पीपी किट्स है, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, मास्क, वॉल माउंटेड हैंड फ्री जो सैनिटाइजर स्प्रे है, टेम्परेचर गन है, इस तरह कई सारे चीज़ें हम इन गांव में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुल करीब 4 लाख का सामान हम 5ों गांव में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि सारे मिलके अगर हम इस मुहिम को और आगे ले जाएंगे तो ये जल्दी ही कोविड 19 लद्दाख से पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे।